हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 2. सो राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म. सो द फर्स्ट नंबर यू आर गिवन विच इज़ इन द फ्रैक्शन, दैट इज़ 127 अपॉन 200. हमें इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, दैट इज़ 127 अपॉन इस 200 को मैंने 2 × 100 ऐसे लिखा है. नाउ 127 को आप 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड करो. सो 127 अपॉन 2 का आंसर आएगा 63.5. अब उसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 1220, सो द पॉइंट गोज़ टू 12, यहाँ पे पॉइंट आएगा, दैट इज 0.635. जितने ज़ीरो है उतने नंबर्स आप लेफ्ट साइड को मूव करें और वहाँ पे आपका पॉइंट आता है. अगर ये नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली 200 से 127 को डिवाइड कर दो. द नेक्स्ट वन इज़, दैट इज़ 25 अपॉन 99. ये भी मैंने ऐसे ही किया, 99 से 25 को डिवाइड किया, सो द आंसर इज 0.2525 रिकरिंग, सो आंसर इज 0.25 बार. सिमिलरली द 23 अपॉन 7, यहाँ पर भी 23 को आप 7 से डिवाइड करो. एग्ज़ाम में भी आपको ये पेपर पे ही करना है, उस पर रफ नहीं करना है. सो अगर हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3.285714, अगेन सेम नंबर रिपीट हो रहा है. देखो यहाँ पे इतना जो नंबर है, दैट इज़ 285714, बाद में भी हमें सेम नंबर मिल रहा है, दैट इज़ 285714, और यहाँ से आगे भी वो कंटिन्यू होगा. सो दिस नंबर इज रिकरिंग हियर, जो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे रिकरिंग हुआ, दैट इज 285714. आफ्टर दैट, दैट इज 17 अपॉन 8. सो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, दैट इज 17 को हम 8 से डिवाइड करें, सो विल गेट हियर 8 × 2 = 16, सो द आंसर इज 1. नाउ वी टेकिंग 0, सो पॉइंट इज देयर, सो 8 × 1 = 8, सो वी गेट हियर 20. मैंने 20 को यहाँ पे लिया है, देन 8 × 2 = 16, सो 2, यहाँ पे आंसर आया 40. नाउ 8 × 5 = 40, सो दिस इन दिस एग्जांपल वी गेट द रिमाइंडर 0, सो माय आंसर इज 2.125. सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, यहाँ पर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग है. सो आपको पता है दैट इज़ रैशनल नंबर एक तो टर्मिनेटिंग रहता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहता है. नेक्स्ट वी गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 3. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इन दिस चैप्टर. सो सी, मैंने पहले एक एग्जाम्पल में आपको करके दिखाया था, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज 0.6 बार. सो सी, द रिकरिंग नंबर इज ओनली 1, दैट इज 6. सो हमें इस नंबर को x करके कंसिडर करना है, सो x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, इसको हम इक्वेशन 1 बोलते हैं. जितना डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स रिकरिंग है, कितना है, सिंगल ही नंबर रिकरिंग है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. अगर दो नंबर होते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तीन नंबर होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फोर नंबर होंगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है. ये आपको ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद, मीन्स इस पॉइंट के बाद कितने नंबर रिकरिंग है. यहाँ पे एक ही नंबर रिकरिंग है, सो हम 10 से मल्टीप्लाई करें. सो बाय आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 10 विल गेट हियर 10x इज इक्वल्स टू, अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6. सो मैंने 6 लिखा है, पॉइंट देके ये रिकरिंग नंबर हमें फिर से वैसे ही लिखना है. सो जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो वो रिकरिंग का नंबर हटा देना है, ऐसा ये बार हमें नहीं देखना है, सिर्फ 0.6 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और वो ऊपर का जो पॉइंट रिकरिंग का जो नंबर है वो हम ऐसे ही लिखेंगे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. सो वी गोइंग टू टेक द सब्सट्रैक्शन ऑफ दिस टू, सो 2 - 1, सो ये डैश नहीं, यहाँ पे माइनस साइन है,
So second minus 1. So 10x minus x is equals to 0.6 recurring, that is bar, minus 0.6 bar. Now 10 minus 1, that is 9x. यहाँ पे देखो, दैट इज ये जो नंबर है वो प्लस है और ये नंबर जो है वो माइनस है. सो प्लस बार 6 एंड माइनस बार 6 विल गेट कैंसल, ओनली आंसर इज 6. सो एक्स इज इक्वल टू 6/9, दैट इज 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9. सो द आंसर इज 2/3. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज 0.37 बार. सो वी कंसिडर एक्स इज इक्वल टू 0.37 बार. So see here, 37 bar means how many numbers are there after points which are recurring? 1 and 2, 2 numbers are recurring. So multiplying both sides by 100. 100 से हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे. So what we get here, that is 100x is equals to, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 37 मिलेगा. पॉइंट 37 रिकरिंग हम ऐसे लिखेंगे. Now this is our second equation. So second minus first, we are going to take the subtraction, second minus 1. So 100x minus 1x is equals to 37.37 recurring minus 0.37. So 99x is equals to, यहाँ पर भी 37 is 37 को cancel होगा, हमें 37 मिला है, that is x is equals to 37/99. Now see the question number third. That is a 3.17 recurring, that is 17 bar. So we consider x is equals to 3.17 bar. So this is our first equation. Again point ke baad jo recurring number hai wo 2 hai. So multiplying both sides by 100. So we get 100x, yahan par bhi 100 se multiply karenge. Recurring nahi hai aisa soch ke 3.17 ko hum 100 se multiply karenge to hame 317 milega. Point, ye recurring number hame aise hi likhna hai. So second minus 1, so we are going to take the subtraction. So we get here 100x minus 1x. Second minus first. So we get here, that is 100x minus 1x is equals to 317.17 minus 3.17. अगेन ये इस रिकरिंग नंबर जो है ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कैंसिल होगा. सो 317 माइनस 3, सो ये वी गेट 314/99. सो एक्स इज इक्वल टू 314/99. देन क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 15.89 बार. सो एक्स इज इक्वल टू 15.89 बार. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सी द numbers after the decimal is are two numbers are there. So since there are two numbers, two recurring numbers after the point, so we multiplying the equation by 100. So we'll get 100x minus recurring nahi hai aisa samajh ke product karo. So we get here 1589 point. So the recurring number we have to write as it is. Now we take the subtraction, that is we have to subtract the one from the second. So this one is our second equation. So 2 minus 1, so we get here, that is 100x minus 1x is equals to 1589.89 minus 15.89. So this 89 and 89 will get cancelled. Just we have to subtract, that is 1589 and 15, means we have to subtract 15 from this number. So after subtraction we will get 1574. So 99x is equals to 1574. So x is equals to 1574/99. Now the question number 5. So the example is 2.514 bar. So we consider x as a 2.514. this is as a first equation. Now see, there are three numbers are recurring after the point, so multiplying both sides by 1000. So since three numbers are there, three zeros, so multiplying both sides by 1000, so we'll get 1000x
यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2514 पॉइंट। दिस रिकरिंग नंबर वी हैव टू राइट डाउन एज इट इज। नाउ टेक द सब्सट्रैक्शन, सो 2 माइनस 1 वी गेट 1000x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 2514.514 बार माइनस द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज 2.514 बार। नाउ सी इफ यू टेक द सब्सट्रैक्शन विल गेट 999x इज इक्वल्स टू, नाउ दिस प्लस 514 बार इज कैंसल विद दिस माइनस 514, सो दिस रिकरिंग नंबर विल गेट कैंसल। ओनली हैव टू टेक द सब्सट्रैक्शन दैट इज वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस 2 फ्रॉम दिस 1, 2514 माइनस 2, सो विल गेट हियर 2512, सो एक्स इज इक्वल्स टू 2514, सॉरी इट्स नॉट 2514, इट इज 2512। सो द आंसर इज दैट इज 2512/999। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल्स रिमेनिंग लेक्चर्स विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।